Hello guys, today we are discussing conditional statement and switch case in the C++. If else क्या होता है, conditional statements क्या होती हैं, if else का कैसे use करा जाता है, switch case कैसे implement किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ. With the live implementation, I am Sachin Bhardwaj, computer programmer and database expert. Welcome to our channel Attitude Academy. Let's start our topic, conditional statements in C++. कंडीशनल स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. डिसीजन मेकिंग नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो दो डिसीजन हमारे पास होते हैं, या तो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती. यानी कि अगर एक फ्लो चार्ट के मीडियम से अगर हम देखें, एक हमारे पास कोई कंडीशन है, या तो वो सेटिस्फाइड है या कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वो किस पार्ट पे जा रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किस पार्ट पे जा रही है. यानी कि डिसीजन मेकिंग इज अ स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशंस फॉलोइंग ऑफ द जनरल फॉर्म्स ऑफ द टिपिकल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर्म द मोस्ट ऑफ द प्रिंट. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंडीशन है, उसके बेस पे यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है. यानी कि डिसीजन मेकिंग इज द इफ एल्स. अगर हम इफ एल्स की बात करें तो इफ एल्स इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम इन C++. C++ की जो हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट डिफाइन करी है वो कुछ इस तरह से है. सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड देन स्विच केस. यानी कि नंबर ऑफ कलेक्शन जब हमारे पास स्टेटमेंट का हो जाएगा तो वो मैं डिफाइन करूंगा स्विच केस के अकॉर्डिंग. यानी कि इफ एल्स, इफ ए स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोइंग बाय द वन एंड मोर स्टेटमेंट. अब मैं आपको बता देता हूँ बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है. जैसे मैंने एक पर्सन की एज इनपुट करी है और वो चेक करना है कि पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, और उस एज के अंदर मैंने इनपुट कर दिया 15, तो 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो या तो कंडीशन वो सेटिस्फाइड हो रही है कि हाँ यस yes, और या कंडीशन हो रही है फॉल्स. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आप समझ सकते हो कि 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है फॉल्स, तो वो किस पार्ट में जा रही है. यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन ये डिसाइड करता है. बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कंडीशन या तो ट्रू में है या फॉल्स, उसके बेस पे हम डिजाइन करते हैं अपने प्रोग्राम को जो या तो इफ पार्ट पे जाता है या उसके एल्स पार्ट पे जाता है. तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास इफ स्टेटमेंट जिसमें एल्स का कोई रोल नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. नेक्स्ट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट जिसके अंदर मैंने आपको बताया दैट इज द ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट. यानी कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो उसका एल्स पार्ट क्या है. यानी कि अगर पूरे प्रोग्राम में कुछ नहीं हुआ तो एल्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स यानी कि जब हमारे पास कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन डिफाइन हो, यानी कि अगर मैंने कोई एक सिंपल सा लॉजिक लगा रखा है फिर फर्दर एक और लॉजिक लगा रखा है उस कंडीशन के अंदर जाने के लिए, दैट इज द बेस्ड ऑन कंडीशन टू कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, जिसको हम इफ एल्स इफ एल्स भी बोलते हैं. एंड अनदर वे ऑफ द स्टेटमेंट इज स्विच स्टेटमेंट. यानी कि कलेक्शन ऑफ या क्वांटिटी ऑफ स्टेटमेंट्स different roles according to the cases. यानी कि केस वन है तो क्या स्टेटमेंट है, केस टू है तो क्या स्टेटमेंट है, इसके बेस पे हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स. तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने एक सिंटेक्स लिख रखा है इफ कंडीशन, और कंडीशन के बाद आपने देख रखा है नंबर ऑफ स्टेटमेंट. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो इस ब्लॉक ऑफ में आ जाती है, अगर कंडीशन अनफॉर्चुनेटली फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाओ. तो दिस इज द सिंपल इफ स्टेटमेंट इन द C++. नेक्स्ट इज माय प्रोग्राम इंट आई इक्वल टू 10. आप देख सकते हो मेरे साथ आई इक्वल टू 10, यानी कि आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है 10. अब मैंने यहां पर देखा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यहां पर 10 इज ग्रेटर देन 15 है. अगर है तो आंसर आ जाएगा 10 इज लेस देन 15, अदरवाइज यहां पर क्या आ रहा है आई एम नॉट इन इफ, यानी कि ये आउट ऑफ लूप चला गया, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, तो ये कहां पर आ गया हमारे पास आउट ऑफ ब्लॉक आ गया. तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आई एम नॉट इन इफ, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. सिंपली आपको समझ में आया होगा इफ स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट. जैसे मैंने आपको बताया था अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये इस वाले ब्लॉक में आती है, दैट इज कॉल्ड द नियर बाय द इफ, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती यानी कंडीशन, तो ये एल्स पार्ट में आ जाती है.
तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई की वैल्यू कितनी है, 20, 20 इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है 20 इज लेस देन 15 नहीं होगा, तो नहीं है तो फिर वो कहाँ पर आ जाएगा, एल्स में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम ग्रेटर देन 15, आई एम ग्रेटर देन 15, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अनदर वे इज द नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब हम एक कंडीशन के अंदर मोर देन वन कंडीशन या उससे भी ज्यादा हम इनर मोस्ट लूप लगा दें तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यानी कि इफ स्टेटमेंट इज द सी प्लस प्लस इन विच वी कैन चेक द ऑल नेसेसरी ब्लॉक ऑफ द इनर मोस्ट लूप्स। यानी कि अगर एक लूप के अंदर फिर फर्दर एक कंडीशन चल रही है, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन हमारे पास बेस्ड है, तो हम हायरार्की जो चलेगी इसकी ऑलमोस्ट आउटसाइड जो बनी हुई है हमारे पास कंडीशन उनसे लेकर इनर तक की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हुआ आता है, तो इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, यहाँ पर एक नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट का मैंने प्रोग्राम लिख रखा है। आई की वैल्यू कितनी है 10, और फिर आप यहाँ देख सकते हो आई इक्वल टू 10, यानी कि 10 इक्वल है 10 के, यानी कि कंडीशन इज ट्रू। फिर यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन लिख रखी है आई इज लेस देन 15, यानी कि 10 इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू, यानी कि आई एम लेस देन 15, ये वाला मेरे पास आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर। अगर मेरे पास यहाँ पर 20 होता तो मैं इस लूप से पहले ही बाहर हो जाता, यानी कि 20 इज इक्वलेंट टू 10, कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो जाती है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका यहाँ पर कोई भी आंसर प्रेजेंट नहीं होगा। तो देख सकते हो आप इफ एल्स इफ इस तरह से मैंने यहाँ पर यूज करा, यानी कि नंबर ऑफ कंडीशंस हमारे पास टॉप से स्टार्ट होती है और टॉप से स्टार्ट होते होते ये एल्स इफ स्टेटमेंट्स में डिफाइन हो जाती हैं। और अगर कंडीशन कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होती तो वो कहाँ पर जाती है, एल्स पार्ट पे चली जाती हैं। और यहाँ पर मैंने आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया एक एक प्रोग्राम का। आप इसको डायरेक्टली सिंपली इसी तरह से आप लिखिए अपने कोडिंग सी प्लस प्लस टर्बो सी प्लस प्लस पे, और एक एक लाइन को आप डिफाइन कीजिए, गारंटीड है कोई एरर नहीं आएगा आपके पास, और सिंपली आप समझ जाओगे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। अनदर वे ऑफ द स्टेटमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, वी कैन यूज स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट्स का मतलब होता है जब हमारे पास इफ के अंदर सिर्फ दो पॉसिबिलिटी थी, या तो कंडीशन ट्रू हो रही थी या कंडीशन फॉल्स हो रही थी, लेकिन यहाँ पर स्विच केस के अंदर क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, नंबर ऑफ केसेस हैं, यानी कि केस वन है तो क्या होगा, केस टू है तो क्या होगा, केस थ्री है तो कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ केसेस हम डिफाइन कर लेंगे। अगर वो कंडीशंस उनमें भी नहीं है कोई कंडीशंस, तो फिर हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे चले जाते हैं, दैट इज ऑप्शनल इन द स्विच केस ऑफ सी प्लस प्लस। यानी कि डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट है जहां पर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो तो उसके जस्ट बाद हमारे पास कौन सा बचता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट स्टेटमेंट। यानी कि स्विच केस इफ एल्स का एक बड़ा रूप है, यानी कि लॉन्ग ऑफ द इफ स्टेटमेंट। यानी कि नेस्टेड करते हुए हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा पाते, तो ये रियल कॉन्स्टेंट पे वर्क करता है स्विच केस, इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर जब हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस स्टेटमेंट्स हमारे पास डिफाइन होती हैं, तो हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो आप देख सकते हो सिंपल एक सिंटेक्स बना रखा है, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन लिख रखा है एन को, केस वन लिख रखा है, फिर ब्रेक लगा रखा है, फिर केस टू, फिर अगेन ब्रेक, एंड फिर अनदर वे इज डिफॉल्ट इफ नो मैच एनी केसेस। अगर कोई केस मैच नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम आप देख सकते हो लाइव इंप्लीमेंटेशन, यहां पर मैंने लिख रखा है ग्रेड इक्वल टू डी, ग्रेड इक्वल टू डी, यानी कि एक कैर नाम का वेरिएबल, कैर नाम से मैंने क्या डिफाइन कर रखा है ग्रेड, और ग्रेड के अंदर मैंने क्या डाल रखा है डी, और डी के अंदर जैसे ही मेरा एक्सप्रेशन गया डी, तो ये केस नंबर कौन सा फॉलोअप कर रहा है डी, जिसके अंदर लिखा है बेटर ट्राई अगेन। क्या लिखा हुआ है, बेटर ट्राई अगेन, दैट इज कॉल्ड द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ब्रेक हो रहा है यहां पर। और इस तरह से आप एक एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर डी लिखा हुआ है, आप सी भी लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो। अगर आपने इस प्रोग्राम में एफ लिखा तो यहाँ पर एफ नाम का आपको कोई केस नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे। अब इसका लाइव इंप्लीमेंटेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं इफ एल्स स्टेटमेंट का इन सी प्लस प्लस। तो आप देख सकते हो मेरे साथ इस वीडियो में,
और सबसे पहले आप फटाफट से हेडर फाइल यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, कॉन्यू डॉट एच एंड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। और स्टार्टिंग में बच्चे कट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें, इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले वॉइड मेन आपने डिफाइन करा है, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करा, और देन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एज इक्वल टू 19, और फिर मैंने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा दिया है, और एज नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करा एज ए इंट, क्योंकि इंटीजर ही होल्ड कर सकता है नंबर्स को। और देन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहां पर मेरे पास कर्ली ब्रेसेस में आ जाता है एक मैसेज एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा एल्स एल्स पार्ट में, आउट नॉट नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हो मेरे पास ये प्रोग्राम मैंने पूरा एक बना रखा है, जिसमें लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम इनपुट ए पर्सन एज एंड चेक इट पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो सिंपल तरीके से मैंने इफ एल्स का एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो ये वाला ब्लॉक है, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक है, यानी कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो दिस ब्लॉक, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहां देख सकते हो आप लिखा आ गया है एलिजिबल फॉर वोटिंग, बिकॉज यहां पर एज कितनी थी हमारे पास 19, तो 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज ट्रू, ट्रू होते ही ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है जो जस्ट नीचे है इफ के। अगर मैं इस एज में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूं, तो इस मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एज रख दिया 15, तो अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरह से आपने लाइव इंप्लीमेंटेशन करा इफ एल्स स्टेटमेंट का। अगर मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करके एक प्रोग्राम और समझा देता हूँ कि इफ एल्स इफ एल्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो भी आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में बने रहें और देखते रहें, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके बता देता हूं आपको। यहां पर एक एन नाम का एक वेरिएबल है, जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर ली 10, और मैं यहां पर चेक कर रहा हूं एन इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 0 से कोई भी नंबर हमारे पास बड़ा होगा तो वो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, राइट। अगर वो उससे लेस हो जाए, यानी कि एन में जो भी नंबर है वो 0 से लेस हो जाता है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। यानी कि अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करना हो, तो एन से अगर कोई नंबर लेस है, यानी कि 0 से कोई भी नंबर लेस है, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नंबर इज नेगेटिव, और उसके जस्ट बाद मैंने यहां पर लिखा है हो सकता है वो नंबर 0 ही हो, ऐसा भी पॉसिबल है, तो मैं यहां पर एल्स में लिख देता हूं एक स्टेटमेंट बना के, जिसमें लिखना है मेरे को सीधा आंसर कि नंबर इज 0, नंबर इज 0, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम कर दिया जिसमें चेक करना है नंबर इज नेगेटिव है या पॉजिटिव है या 0 है। तो प्रोग्राम इस तरह से बनता है, राइट ए प्रोग्राम इनपुट ए नंबर एंड चेक इट नंबर इज अ पॉजिटिव नेगेटिव और 0, तो आपको इस प्रोग्राम में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल तरीके से मैंने इसे को करा, अब यहाँ पर नंबर लिख रखा था मैंने 10, तो आप देख सकते हो 10 इज ग्रेटर देन 0, तो ये फर्स्ट ब्लॉक में ही आ जाएगा, तो क्या मैसेज आता है, नंबर इज पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नंबर, ये मैसेज आपके पास यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो कि ये मेरे पास आंसर आ जाएगा।
नंबर इज पॉजिटिव। अगर मेरे को यहाँ पर डालना हो माइनस टेन, तो माइनस टेन के लिए आप देख सकते हो कि माइनस टेन इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं हुई। माइनस टेन इज लेस देन जीरो, तो ये एल्स वाले पार्ट पे आ जाती है, तो यहाँ पर मैसेज क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट में क्या आ गया है, नेगेटिव। सपोज करो हमारा नंबर ही जीरो था, तो जीरो नंबर पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो कौन सा पार्ट आता है, जैसे मैंने अभी बताया था एल्स पार्ट, तो यहाँ लिखा है नंबर इज जीरो, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।